साथियों, आज हम लोग चंबल के बिहर क्षेत्र के गांव गुढ़ा में है, जो जनपद जालौन में है, और गुढ़ा वो गांव है जहां हमारे देश की सांसद फूलन देवी का गांव है, उनका घर है। हम आज उन्हीं के घर पे उन्हीं के परिवार के लोगों के साथ, उनकी माताजी के साथ खड़े हैं। साथ ही साथ इस पूरे चंबल में, चाहे वो धौलपुर का एरिया हो, चाहे इटावा का एरिया हो, भिंड का एरिया हो, मुरैना का एरिया हो, पूरे चंबल में जन समस्याओं को लेकर के साइकिल यात्रा करके भाई साहे आलम जी भी है, जिन्होंने इस पूरे चंबल घोषणा पत्र में बड़ा काम किया है। चंबल घोषणा पत्र रिलीज किया गया है, सायलम जी ने पूरे चंबल में बड़े पैमाने पर साइकिल यात्रा करके गाँव गाँव जाकर के उन्होंने यहाँ की समस्याओं को चिन्हित किया है। औरैया, इटावा, जालौन, भिंड, मुरैना, धौलपुर और बात ऐसी की जो समस्याएं हमने देखी है अपने दोस्तों से मदद करके, गांव के लोगों से की मदद से उसको बनाया गया है। इसे सरकार कहती है कि हम 5 सालों में इतना विकास किया है, 70 सालों में इतना विकास किया है, लेकिन गांव में भी हम बात कर रहे थे यहाँ की, यहाँ ट्यूबवेल लग जाए तो जो है खेती होने लगेगी, 5 सालों में जो है यहाँ कुछ पैदा नहीं हुआ है। और इस घोषणा पत्र को जारी करने से पहले और जारी करने के बाद भी फूलन देवी की माता जी हमारे साथ जो जारी किया, वो कहती है कि हमारे घर में जो है शौचालय नहीं बना है, सरकार ने पैसा नहीं दिया है, बिजली नहीं है, तो इस गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ जो है नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं। ये कहना चाह रही, नाम बताओ, नाम बता दो, नाम मुला देवी, मुला देवी जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। फूलन देवी फरार हो गई, 3 लाख सरकार ने कुल की कर ली, सुनो कुछ नहीं दिया, घर पट कर दो तो जने कर गुम्मन किसी घर बनवाओ, और खेती दीवान कह दी सरकार से खेती नहीं देगी, मानो खेती पर खेती दिवा दे और मोदलम कछार में बोर कर। तो सरकार ने शौचालय या पेंशन आवास कुछ मिले आपको? कुछ नहीं मिले, हम तो कोरे कोरे बैठे, हमारे लड़का के नाम है खेती है तो बेटो सूख का सब लेख पाल खा जाते। सरकार हमारा जो कुछ करेगी तो हम वोट देंगे और दबावेंगे, जो सरकार हमारी सुविधा देगी हमारे तो जनता। साथियों, ये फूलन देवी की माँ अपनी बात रख रही है क्योंकि उनको कोई बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी स्कीम का लाभ नहीं मिला है। गांव की हालत भी हमने देखा है, आज भी गांव के लोग जैसे घोषणा पत्र में है, फूलन देवी जी का सपना था कि उनके गांव में एक इंटर कॉलेज बने, वो भी आज तक नहीं बना है। गाँव के कुछ लोग है, देव सिंह निषाद है, तो आप थोड़ा याद कीजिए, फूलन देवी की कोई याद जुड़ी हो वो बताइए। आप याद जुड़ी है, बुआ आती थी। अच्छा, आपकी बुआ जी थी, बुआ थी हमारी, आती थी वो। अच्छा, सारी व्यवस्था जो पुरखा लोग हैं आपको कमल पैसे कौड़ी सब कुछ दे जाती थी, तो आप उनको याद कर रहे हैं आज की? नहीं, क्यों नहीं करते हैं जी, तो क्या मांग रहे हैं? बोल गई थी इंटर कॉलेज बनेगा लड़कियों के लिए। अच्छा, जगह भी लोग तो कर गई थी बुआ जी हमारी। अच्छा, लेकिन उसके बाद में महीना नहीं हुआ उनका मर्डर हो गया। अच्छा, मारी गई और यही कह रही कि पूरे क्षेत्र की लड़कियां बोले कालपी पढ़ने नहीं जाएंगी, लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज हम बनवाएंगे। तो अभी पिछले सरकार ने कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया है। तो हम लोगों ने मान लीजिए हमारी पूरी जमीन पड़ी है, 1100 बीघा जमीन है बहन जी, सारी पड़ी है, 5 साल से कुछ नहीं होता है, सरकार से एक बिल्टू मांग रहे, बिल्टू भी नहीं दिया। 500 एकड़ जमीन जो पानी से ग्रस्त हो जाती है, एक सरकारी टेबल दे दिया जाए और एक इंटर कॉलेज दे दिया जाए, एक अस्पताल अच्छा था इस गांव में दे दिया जाए और छोटे छोटे बच्चे बाहर न जाएं। बिल्कुल, हमारी आज के इस घोषणा पत्र में वही बात हम लोगों के बीच में गांव के लोग भी सामने लेकर के आ रहे हैं कि आजादी के 70 साल बीत गए, इस गांव में इस घर से जन्मी फूलन देवी जैसी महिला देश की सांसद रह चुकी, उनकी माँ आज हमारे सामने है, लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी फूलन देवी के संघर्ष को पूरा देखते हुए हम देखते हैं, उनके सांसद बनने के बाद भी आज भी 70 साल बाद भी वही सवाल आज भी जिंदा है। हम यहाँ पे एक टीम ने कोशिश किया है चंबल की समस्याओं को लेके, ये जन घोषणा पत्र जारी किया है 2019 के लेकर के, आने वाली सरकार से हमारी डिमांड होगी कि ये चंबल वासियों की, इन महिलाओं की, इन बुजुर्गों की, इन भाइयों की बात को सुना जाए, ताकि चंबल के जो हमेशा से उसको दूसरे नजर से देखा गया है उसकी तरफ भी आप सबका ध्यान आए, सरकार का ध्यान आए। मैं कुलदीप कुमार बौद्ध, बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच, चंबल एरिया, जालौन, उत्तर प्रदेश।